हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है। सेंट्रियोल के साथ साथ शुरुआत अपन करें सेंट्रोसोम से, जिसको माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है। सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी, ठीक है ना, बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लेजला। तो जो सेंट्रोसोम है वो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल से ये सारे सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लेजला बनते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ आप ये जो फर्स्ट स्लाइड है शुरुआत में, ये आप जो अरेंजमेंट है सेंट्रियोल का, जो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है, और ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं। और मोस्टली जो जितने भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से कहे हैं या सेंट्रियोल कहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो स्थानिक है सेल का, मतलब हर एक को एक पर्टिकुलर स्पेस प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ आप देखिए जो देख रहे हैं, ये ट्रिप्लिकेट फॉर्म में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म में अरेंज दिखाई दे रही है। ये डायस्टल एंड है जो, ठीक है ना, इसके ये आगे वाला प्रोक्सीमल एंड मतलब अग्र भाग का सिरा, डायस्टल एंड मतलब पश्च भाग का सिरा, ठीक है ना। इसमें एक मदर सेंट्रियोल होता है, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल होता है। ये ओल्ड वन और ये न्यू वन, और ये दोनों आपस में सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो डायस्टल अपेंजेस और सब डायस्टल अपेंजेस, ये अपेंजेस होते हैं जो इनको जोड़े रखते हैं, ठीक है ना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स को सेंट्रियोल के अंदर। तो यहाँ पर ये पेरिसेंट्रियोल जो मटेरियल होता है वो इनको दोनों को इस रूप में जोड़े रखता है, और ये परपेंडिकुलर में होते हैं, और ये इसके चारों तरफ पेरिसेंट्रियोलिक मटेरियल पाया जाता है, तब ये यहाँ क्या कहलाता है, ये सेंट्रियोल नहीं, ये सेंट्रोसोम कहलाता है। और इसके साथ में ये मदर और डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास में होता है, इन द मिडल ऑफ सेल, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के एकदम बीचों बीच में कहें, या फिर कोशिका के एकदम बीचों बीच में, केंद्र के पास में ये व्यवस्थित होता है। तब इसको, जब इसके चारों तरफ पेरिसेंट्रियोल मटेरियल हो, पदार्थ से पेरिसेंट्रियोल मटेरियल या पेरिसेंट्रियोल पदार्थ से घिरा हुआ हो, तब ये सेंट्रोसोम कहलाता है, और उस सेंट्रोसोम को ही माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है। सेंट्रियोल इज ए स्मॉल छोटा बैरल शेप, ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। टिपिकल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिप्लिकेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, 9, और वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म है, यानी कि 9 और ये ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होती है, तो 3 प्लस 0, बीच में कोई भी इन सेंटर के अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। इसकी पेरिफेरल मतलब परिधि के ऊपर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और प्रत्येक ट्रिप्लिकेट में होता है। तो जिसके अंदर सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, अरे इन्हें होलो सिलेंड्रिकल, जो होलो सिलेंड्रिकल होता है इसका, ठीक है ना, होलो पाइप का है इसको पूरा खोखला, उस सिलेंड्रिकल आकार में ये अरेंज होती है। सेंट्रियोल आर फाउंड इन मोस्ट एनिमल यूकैरियोटिक सेल, सेंट्रियोल ज़्यादातर सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, बट अब्सेंट इन हायर प्लांट्स। यूकैरियोट के अंदर आने वाले जो हायर प्लांट्स है और फंजाई है, उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। द प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सेल डिवीजन, ये जो सेंट्रियोल है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन में सहायता करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेलिया और फ्लेजला में सहायता करता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, जहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल कार्य करता है वो सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का भी वही कार्य रहेगा। ऑल दो ऑफ्टन रेफरेड टू एज, मतलब इसको कॉमनली ऐसे इसको ऑर्गेनल माना जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनल इज नॉट एन ऑर्गेनल, बिकॉज इट डजंट हैज इसके, हाँ, इट्स ओवन डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन एंड दस नो नॉट एन ऑर्गेनल, मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ किसी प्रकार की अपनी एक अलग से कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, जैसे दूसरे ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये नहीं है, ठीक है ना। तो नैरोअर सेंस, मतलब इसको एक
वाइट रूप से इसको एक ऑर्गन कोशिका अंग नहीं कहा जाता, दे आर देट आर सेपरेटली इनक्लोज विथ देयर ओवन लिपिड लेयर, उसकी खुद की एक वसा से बनी हुई जो झिल्ली है उससे घिरा हुआ रहता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन नॉट ऑर्गेनल, पूर्णतः एक कोशिका अंग ये नहीं है। रेदर द वॉल ऑफ द सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड बाय द 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, तो इसकी जो बाहर की जो वॉल है वो 9 ग्रुप है माइक्रोटिब्यूल्स के उससे घिरी हुई, मतलब 9 माइक्रोटिब्यूल्स है और हर एक माइक्रोटिब्यूल्स के अंदर 3 सब माइक्रोटिब्यूल्स, तो 1 माइक्रोटिब्यूल इन ट्रिप्लीकेट फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि इसका स्ट्रक्चर ये इस टाइप का हो गया, यानी कि 9 है जो पेरिफेरल होगी और वो ट्रिप्लीकेट फॉर्म में होगी, और जो मिडल में होगा वो कोई भी माइक्रोटिब्यूल मिडल में नहीं होगी, तो विथ 9 डबल 8 आर 9 इंक्लूडिंग दोज विथ 9 डबल 8 आर 9 सिंगलेट। कुछ सम ऑर्गेनल्स हैव अदर फॉर्म्स इंक्लूडिंग दोज विथ 9 डबल 8 एंड 9 सिंगलेट, दूसरे कोई ऑर्गेनल्स है कॉमनली सेंट्रियोल एग्जिस्ट इन ए पेयर, तो ज्यादातर जो सेंट्रियोल है वो एक युग्म के रूप में रहता है, मतलब पेयर के रूप में रहेगा, विथ टू सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल साथ में रहेंगे, पोजिशन एट ए राइट एंगल टू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। एन एसोसिएटेड पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अरेंज्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन ने बात कर ली, ये ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं या ऐसे हो सकते हैं जो भी हैं, केंद्र के बीचों बीच में पाए जाते हैं, सराउंडेड बाय अमोर्फस मास ऑफ ए डेंस मटेरियल नोज एन प्री सेंट्रियल मटेरियल, तो चारों तरफ से अमोर्फस मास से घिरे हुए रहते हैं, और जिसको पेरियोसेंट्रियल पदार्थ भी कहा जाता है, प्री सेंट्रियोलर मटेरियल भी कहा जाता है, कंस्टिट्यूट द कंपाउंड स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार से ये चारों तरफ से घिरे हुए प्री सेंट्रियल मटेरियल से घिरे हुए होते हैं, तो उसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। विच इज ए इम्पोर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल, और ये इसका विशेष कार्य है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की ऑर्गेनाइजिंग होता है, और सेल एंड सेल साइकिल प्रोग्रेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगी और जो आगे चलकर कोशिका के आकार के लिए और कोशिका के विभाजन के लिए सहायता करती है, तो ये सेंट्रोसोम होता है, और वो इसलिए उस सेंट्रोसोम को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज सेंटर कहा जाता है। द सेंट्रोल इज जस्ट वन पार्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स एंड येट इंट्रिकेटली कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल, तो सेंट्रोल इज जस्ट वन पार्ट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, ये एक भाग है जो कोऑर्डिनेट करता है जितना भी जो वातावरण है उसी के साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर का, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है, जैसे माइक्रोट्यूबल का निर्माण करता है तो सेल के जितने भी दूसरे प्रोसेस है वो हो पाते हैं। सेंट्रियोल इज, तो यहाँ अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से अरेंज्ड है, यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री के रूप में, ये इसका मदर सेंट्रियोल है, मदर सेंट्रियोल, और ये इसका डॉटर सेंट्रियोल है, और ये आप यहाँ तो देख रहे हैं मैंने जो शुरुआत वाला जो स्लाइड थी जहाँ से अपने ये टॉपिक शुरू किया उसकी पहली स्लाइड में भी ये स्ट्रक्चर देखा था, वो इसे हम यहाँ स्ट्रक्चर है, ये इसका पश्च सिरा है, जैसे इसका देखें इस माइक्रोट्यूबल का सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूबल का दूसरा देखें तो ये अग्र सिरा है और ये पश्च सिरा है, और ये यहाँ पर ट्रिप्लीकेट फॉर्म में अरेंज है, तो यहाँ ये ऐसे करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे करके ये 9 फॉर्म में टोटल होगी, और ये होलो इस टाइप से अरेंज होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पर अरेंज रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना, और ये ट्रिप्लीकेट फॉर्म में होती है, इसलिए 9 सिंगल जो माइक्रोट्यूबल्स होता है वो उसके अंदर 3 सब माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं और बीच में कोई भी माइक्रोट्यूबल नहीं होता है, तो इसका 9+0 का अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का मुख्य भाग होता है सेंट्रियोल, विच आर इन्वॉल्वड ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूबल्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया पिछली स्लाइड में, माइक्रोट्यूबल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका होना जरूरी है। द पोजिशन ऑफ ए सेंट्रियोल इज डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रियोल की उपस्थिति होना ही केंद्र की
पोजीशन को डिसाइड करता है कि भाई केंद्रक कहाँ होगा। ही प्ले ए क्रूशियल रोल इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सेल। ये अपनी एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं कि जितना भी सेल का स्थानीय के अंदर का उसको स्पेशल मतलब होता है स्थानीय अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, ये भी अपने हो गया कि भाई वो सिलेंड्रिकल होता है ऐसा। यूजली कंपोज ऑफ ए नाइन ट्रिप्लीकेट, ये भी हो गया। प्रोटीन ऑफ द साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, साइटोस्केलेटन का एक प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। वन ऑफ द माइक्रोट्यूबुलिन ट्रिप्लीकेट इज कम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट द अदर टू एडजस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इनकम्प्लीट इन दैट दे आर शेयर द पार्ट ऑफ देयर कॉमन वॉल। तो जो इसके अंदर क्या है, तीन होते हैं माइक्रोट्यूबुल, एक के एक माइक्रोट्यूबुल के अंदर तीन सब माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। तो उसके अंदर जो एक माइक्रोट्यूबुल है वो सब माइक्रोट्यूबुल पूरा कंप्लीट होता है, बट कि जो दूसरे उसके पास वाले माइक्रोट्यूबुल है वो संपूर्ण नहीं होते, क्योंकि वो अपना भाग मेम्ब्रेन के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे भी ये मेम्ब्रेन बनी तो यहाँ पर दो जो माइक्रोट्यूबुल हो गए वो अपना पार्ट इसकी भित्ति के साथ शेयर कर रहे हैं, तीसरा फ्री होता है। तो तीसरा वाला वो संपूर्ण विकसित होता है, जबकि दूसरे वाले वो संपूर्ण नहीं होते, अपूर्ण होते हैं। शेयर देयर हाफ पार्ट विथ देयर वॉल, जो उसकी चारों तरफ जो लिपिड का जो वसा का एक लेयर बना हुआ है सेंट्रियल के चारों तरफ, उसके साथ अटैच होते हैं। इसलिए दो माइक्रोट्यूबुल जो सब एक माइक्रोट्यूबुल के दो दो जो सब माइक्रोट्यूबुल है वो अपना पार्ट शेयर करते हैं किसके साथ, उसकी इनवॉल्व के साथ, उसके कवर के साथ, उसके आवरण के साथ, जबकि एक जो माइक्रोट्यूबुल है वो पूर्ण होता है। ईच ट्रिप्लीकेट ऑफ फ्यूज माइक्रोट्यूबुल इज टिल्टेड इनवर्ड टूवर्ड्स द एक्सिस एट ए एंगल ऑफ अराउंड 45 डिग्री टू द सर्कमफेरेंस। जो पूरी परिधि होती है उसमें 45 डिग्री पे अरेंज होते हैं और सेंटर की तरफ होते हैं। तो ये होंगे तो ये एकदम यूं नहीं होंगे, एकदम यूं नहीं होंगे, थोड़े से ये यूं होते हैं। तो दो पार्ट अपना शेयर करते हैं उसके साथ, दूसरे वाले शेयर नहीं करते। दिस गिव्स दैट द मे बी डिस्क्राइब्ड एज द पिन व्हील आर कार्ट वाल, जैसा साइकिल का जो टायर होता है या चरखे का जो व्हील होता है उस तरह ये अरेंज होते हैं। लाइक द ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन, जो टर्बाइन अपन पानी में जो चरखा को मारते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह का चरखा या पिन व्हील की तरह या कार्ट व्हील की तरह जो रुई काटने वाला चरखा होता है उस तरह। एडजस्टेंट ट्रिप्लीकेट आर लिंक्ड अलोंग देयर लेंथ इन एडिशन टू द नाइन ट्रिप्लीकेट माइक्रोट्यूबुल्स ब्लेड्स इन द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ईच सेंट्रियोल जनरली इंक्लूड द प्रोटीन सेंट्रिन सिनेक्सिन एंड टैक्टिन। तो ये इनके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनके नाम है सिनेट्रिन एंड सेनेक्सिन और टैक्टिन। डेविएशन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड ड्रोसोपिला मेलेनोगैस्टर इम्ब्रोज विच हैज नाइन डबलेट। तो ड्रोसोपिला जो मेलेनोगैस्टर उसके अंदर ये देखा गया तो उनके वहाँ पर नाइन ट्रिपलेट की जगह नाइन डबलेट है। और सिनोरेबिटिस इलेगेंस उसके स्पर्म जो कि कोशिका हार इन अर्ली इम्ब्रो विथ नाइन सेकेंड, तो उनके अंदर ये तो ये अपवाद है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर नाइन डबलेट भी पाया जाता है, नाइन सिंगलेट भी पाया जाता है। नाइन सिंगलेट किसके अंदर देखा है, स्पर्म कोशिका जो सिनोरेबिटिस इलेगेंस है उसकी जो शुक्राणु कोशिका है उसके अंदर, और दूसरा डबलेट जो नाइन डबलेट है वो ड्रोसोपिला मेलेनोगैस्टर का जो भ्रूण है उसकी कोशिकाओं के अंदर, जो सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूबुल की उपस्थिति है वो नाइन डबलेट के रूप में देखी जाती है। तो ये अपवाद है। यहाँ पर आप देखें जैसे ये सेंट्रोसोम है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये प्री सेंट्रियोलिक मटेरियल है, ठीक है, ये देखो प्री सेंट्रियोलिक मटेरियल, ये सेंट्रोसोम, इसको आप क्या कहोगे सेंट्रोसोम। ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, इसके डायस्टल अपेंजेस और सब डायस्टल डायस्टल अपेंजेस होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। ये मदर सेंट्रियोल ये और ये डॉटर सेंट्रियोल, ये इनको बीच में एक प्रोटीन तंतु होता है जिससे ये दोनों कनेक्ट रहते हैं, और ये मटेरियल है इसके चारों तरफ जो पाया जा रहा है प्री सेंट्रियोलिक मटेरियल, ये क्या कहलाएगा सेंट्रोसोम कहलाएगा, ठीक है, इसको सेंट्रोसोम कहेंगे। और ये माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है जो आगे चल के माइक्रोट्यूबुल का निर्माण करता है, और वही माइक्रोट्यूबुल उसी का कि सेल की शेप के लिए, बेसल बॉडी के लिए, सीलिया के लिए, फ्लेजला के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेलुलर मूवमेंट के लिए, सेल शेप के लिए, और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है।
और सेल डिवीजन के समय इस चीज को देखें तो ये यहाँ पर यदि सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम के रूप में है, ये फिर धीरे धीरे इनके अंदर इलोगेशन होता है और ये अलग होते हैं मैचुरेशन, और ये सेपरेट होते हैं, इनके अंदर सेपरेशन होता है। तो ये जैसे जैसे साइकिल के अंदर जो डिवीजन और इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जीवन और सिंथेसिस फेस और ये होते हैं, और ये डिवाइडिंग फेस है, तो इसको डिवाइड विभाजन अवस्था कहा जाता है। और ये सारी इंटरफेस में आता है, G1S1, क्या कहते हैं, G1S और G2, ग्रोथ वन फेस सिंथेसिस फेस और क्या गैप वन फेस सिंथेसिस फेस और गैप टू। तो यहाँ पर ये सेंट्रोसोम की स्थिति में है सेंट्रियोल, क्योंकि दोनों प्री सेंट्रियल सेंट्रियल मेटेरियल से घिरे हुए हैं, और फिर ये सेंट्रियल लोकेशन होता है, फिर यहाँ पर ये सेंट्रियल एक दोनों अलग अलग ध्रुव की तरह जाने लगते हैं, और ये मैचुरेशन या परिपक्व होकर अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर ये फिर ये स्पाइनल तंतुओं का निर्माण करते हैं, और ये कोशिका जो विभाजित होती है माइटोसिस के अंदर वहाँ पर ये स्पाइनल तंतुओं के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। यदि G0 फेस है तो जिसे यहाँ आप देखें डॉटर सेंट्रियोल है, जो यदि वो आगे जुड़ा गया है किसके साथ, कोशिका की झिल्ली के साथ जुड़ गया है, तो वो क्या करेगा, सीलिया और फ्लैजेला का निर्माण करेगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सीलिया और जब फ्लैजेला का निर्माण करता है तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो भी बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये इस स्लाइड के थ्रू समझाया गया है कि ये माइक सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल कैसे बनता है, और सेंट्रियोल का मेचुरेशन कैसे होता है, और ये स्पाइनल तंतु कैसे बनाता है, और सीलिया और फ्लैजेला इससे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये जो इसके बाहर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये सीलिया और फ्लैजेला का निर्माण करते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला गया तो सेंट्रियोल प्लाज्मा झिल्ली के साथ अटैच हो गया, वो सेंट्रियोल फिर बेसल बॉडी कहलाता है, ये फिर वेसल बॉडी कहलाएगा। और यहाँ अभी आप सेंट्रियोल को देखें तो ये इसके सब फाइबर का है या सब माइक्रोट्यूबुल का है, ए और बी और सी, ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये 45 के एंगल के में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और इनको ये लिंकर है जो सी माइक सब माइक्रोट्यूबुल और दूसरे माइक्रोट्यूबुल के ए सब माइक्रोट्यूबुल को आपस में जोड़ता है, ऐसे लिंकर कहलाता है। और ये जो है ये रेडियल स्पोक कहलाते हैं, ये यहाँ आ गया रेडियल स्पोक, ठीक है ना। ठीक है ना, और इनको आपस में जोड़ने वाले सारे ये प्रोटीन के तंतु होते हैं, और इनका जो सिमेट्री ये कहे या इंटरेस्ट क्या कहें सेंट्रियल स्ट्रक्चर कहें, इनकी ज्योमेट्री कहें, तो 9 माइक्रोट्यूबुल होते हैं, और 9 भी माइक्रोट्यूबुल हो 3 में होते हैं, उसके अंदर 3 सब माइक्रोट्यूबुल होते हैं, और बीच में जो होता है वो 0 होता है। तो इनका अरेंजमेंट है जो माइक्रोट्यूबुल का वो ऐसा होगा 9 × 4+0। तो ये एक सेंट्रियोल का डायग्राम है, और ये इसके अंदर 3 सब माइक्रोट्यूबुल से 1 माइक्रोट्यूबुल के अंदर, ठीक, ये आपस में कनेक्टिंग फाइबर एक दूसरे को, एक माइक्रोट्यूबुल को दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आ रहा है ऐसी लिंकर, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से माइक्रोट्यूबुल सेंट्रियोल के अंदर अरेस्ट होते हैं। सेल यूजली कंटेन है टू कंप्लीट सेंट्रियोल ड्यूरिंग द जी, जो अपने पिछले इस डायग्राम में देखा उसी चीज को आगे यहाँ इस स्लाइड के थ्रू अपन पढ़ के इसको समझते हैं। सेंट्रियोल कंटेंट्स टू कंप्लीट सेंट्रियोल ड्यूरिंग द G0 फेस, तो G0 फेस के समय ये कंप्लीट होते हैं। पोस्ट माइटोटिक जिसको फेस कहा जाता है, पार्ट ऑफ द सेल साइकिल वेयर सेल एग्जिस्ट इन ए क्यूसेंट फेस, क्यूसेंट फेस होता है जब किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता, सेल के अंदर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती, तो उस फेस को क्या कहा जाता है, G0 फेस कहा जाता है। एंड द G1 फेस द सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस का एक फेस है, पहला फेस है, ठीक है ना, सेल साइकिल इंटरफेस आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जैसे ही कोशिका विभाजित होती है उसके बाद का जो फेस है वो G1 फेस कहलाता है। अपन जहाँ सेल कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उसमें इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एंड बिफोर द एस फेस, एस फेस से पहले आता है सिंथेसिस, विच फॉर फॉर्म
और मनी सेल इज ए मेजर पीरियड ऑफ द सेल ग्रोथ व्हेन न्यू ऑर्गेनल्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। इसके अंदर नए जो कोशिकांग है वो सिंथेसाइज होते हैं। द ऑर्डर ऑफ द टू सेंट्रियोल इन ए पेयर इज टर्मिनेटेड एज ए मदर एंड मदर सेंट्रियोल एंड वेयर द अदर इज टर्मिनेटेड एज ए डॉटर सेंट्रियोल। ये भी बात होगी, उसमें दो होते हैं तो एक मदर सेंट्रियोल कहलाता है, दूसरा जो पुत्री या पुत्री सेंट्रियोल कहलाता है। ड्यूरिंग द सेल डिविजन साइकिल इज ए न्यू सेंट्रियोल ग्रोज फ्रॉम द साइड ऑफ द ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग मदर सेंट्रियोल। आफ्टर द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन द टू पेयर ऑफ द सेंट्रियोल रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर इन ए ऑर्थोगोनल कॉन्फिगरेशन एंटिल माइटोसिस। जब तक माइटोसिस होता है तब ये इनका डुप्लीकेशन होता है, ये तब तक जुड़े रहते हैं। व्हेन द मदर एंड डॉटर सेंट्रियोल सेपरेट इन ए मैनर डिपेंड अपॉन द एंजाइम्स सेपरेट, तो जो एंजाइम है सेपरेट वो इनको अलग करता है, नहीं तो ये फिर मदर और डॉटर न्यूक्लियस क्या कहते हैं सेंट्रियोल की तरह आपस में जुड़े हुए रहते हैं। द टू सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन। ठीक है, अभी तक ज्ञात नहीं है कि वो कैसे जुड़े हुए रहते हैं, अनआइडेंटिफाइड है। द फर्दर सेंट्रियोल हैज रेडिएटिंग अपेंजेस एट ए डाइस्टल एंड, तो जो उसका पृष्ठ भाग है वहाँ पर जो अपेंजेस है एट इट लॉन्ग एक्सिस एंड इट अटैच टू द डॉटर सेंट्रियोल एट ए अदर प्रोक्सिमल एंड, तो दोनों एक दूसरे से या तो पृष्ठ भाग से या द मदर सेंट्रियोल हैज रेडिएटिंग अपेंजेस एट द डाइस्टल एंड, जो मदर सेंट्रियोल है उसके पक्ष भाग से एक एक्सिस निकलती है और वो उसके डॉटर जो सेंट्रियोल है उसका जो अग्र भाग है उसके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। ईच डॉटर सेंट्रियोल फॉर्म आफ्टर सेल डिवीजन, जैसे ही कोशिका विभाजन होता है उसके पश्चात जो डॉटर सेंट्रियोल है वो बनता है। विल इनहेरिट वन ऑफ दैज पेयर्स, ठीक है, किसी उसके पेरेंट के पेयर से ही उसका मतलब उससे इनहेरिटेड हुआ है। वन ओल्डर एंड वन न्यूअर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ जी वन फेज ट्रांजिशन एंड एंड बिफोर द वन सेट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से पहले ये इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है ना, जी वन फेज ट्रांजिशन इन बिटवीन जी वन एंड सिंथेसिस पे, यानी कि सिंथेसिस पे शुरू होने से पहले और जी वन फेज खत्म होने से पहले, ठीक है ना, ये इनका डुप्लीकेशन हो जाता है। आगे अगले जो ये लेक्चर रहेगा जिसके अंदर अपन सेंट्रियोल के फंक्शन की चर्चा करेंगे।